हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली प्लस वन के अंदर स्टडी किया होगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए उसकी शेप कैसी होती है। तो इतना आपको पहले से मालूम होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वे बेटा यहाँ पे v क्या होता है, v इज वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा उसका जो सेंट्रल एटम होगा, मैं साथ साथ आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि से मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी CH4, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, इसका हाफ, हाँ जी, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कार्बन के बेटा वेलेंस शेल में कितने होते हैं, 4। M होता है मोनोवेलेंट वो होता है जो एक बॉन्ड बनाए, मोनो का मतलब वन, जो एक बॉन्ड बनाए। स्टूडेंट्स ये बात याद ही कर लो कि हैलोजन्स हमेशा एक बॉन्ड पर बनाते हैं या हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला में हैलोजन या हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो आप उसको ऐड कर, जितने वो है उतने ऐड कर दो, 4। ओके, सी होता है कैटायन, कितना उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उसे आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसे आपने माइनस कर देना है। और ए होता है एनायन, जितना नेगेटिव चार्ज है उसको आपने ऐड कर देना है, उल्टा कर देना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है। बाई चांस आपके इस मीथेन के मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। ओके, दैट इज, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8/2, कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन 4 आ गई। बट स्टूडेंट्स ऐसा करने से अभी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आई है, पर आपने निकालनी होगी साथ में शेप। तो शेप पता लगाने के लिए आपको पहले लॉन पेयर पता होने चाहिए कि उसके अंदर जो लॉन पेयर है वो कितने हैं। स्टूडेंट्स लॉन पेयर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर लॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी आपकी हाइब्रिडाइजेशन आई है, जितनी आपकी हाइब्रिडाइजेशन आई है माइनस नंबर ऑफ एटम्स, कोई मर्जी एटम लगाओ, नंबर ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने एटम्स हैं। जैसे ये सेंट्रल एटम है उसके अराउंड कितने एटम्स हैं, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी आई थी, 4। नंबर ऑफ एटम अटैच कितने, 4, यानी इसमें लॉन पेयर कितना है, 0। तो स्टूडेंट्स अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता हो, हमें अगर लॉन पेयर पता हो, तो हम लोग फिर उसकी एग्जैक्टली शेप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आपको मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रिमाइंड करवा दूँ जो आप लोगों ने प्लस वन में किया भी होगा, अगर सॉल्व करके हाइब्रिडाइजेशन 2 आ जाती है तो स्टूडेंट्स ये आपको याद करना पड़ेगा कि उसकी जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। स्टूडेंट्स जब हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा तो उसमें लॉन पेयर नहीं आता। अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 आ जाए तो स्टूडेंट्स इसकी जो शेप होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर है। पर ये वाली शेप तब बनती है जब उसके अंदर लॉन पेयर 0। अगर स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन तो थ्री हो पर उसमें एक लॉन पेयर आ जाए तो स्टूडेंट्स आप कहीं पर भी एक लॉन पेयर लगा सकते हो, एक लॉन पेयर जो है वो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। से मैंने यहाँ पे एक लॉन पेयर लगा दिया, नाउ इट्स शेप इज लुक लाइक क्या, आइदर वी शेप आप इसे कह सकते हो या आप इसे बेंट शेप भी कह सकते हो। ओके, ठीक। अगर स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाए 4, तो इसकी जो शेप है या वो बनती है टेट्राहाइड्रल, डिपेंड करता है कि उसके अंदर लॉन पेयर एक है या हाइब्रिडाइजेशन 4 पर उसके अंदर जो लॉन पेयर है वो कितने हैं, 2 है। टेट्राहाइड्रल शेप तब बनती है जब उसके अंदर लॉन पेयर 0 होता है और इसमें जो एंगल है वो कितना, 109.5, या स्टूडेंट्स इसको 109.25 मिनट्स भी कह देते हैं या 0.5 बोल देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 हो और लॉन पेयर अगर उसके अंदर 1 हो तो स्टूडेंट्स आप एक लॉन पेयर लगा दीजिए, एक लॉन पेयर जो है वो आप उसके ऊपर लगा दीजिए।
अब आप लॉन्ड्री को मत देखो, नाउ इट शेप इज लुक लाइक, हम लोग कह सकते हैं दैट शेप इज लुक लाइक पिरामिडल शेप, दैट शेप इज कॉल्ड पिरामिडल शेप। और स्टूडेंट्स अब आप मानते हो कि अब लॉन, अब इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा, इससे एंगल थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज लॉन पेयर आ गया, एंड लॉन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। हम लोग ये वाली बात जानते हैं कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है किससे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ये जो आपका बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स ही, पर इनमें रिपल्शन उतनी नहीं है जितनी रिपल्शन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा, रिपेल करेगा, एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। अगर दो आ जाए तो स्टूडेंट्स आप उसके अंदर लॉन पेयर जो है वो दो लगा लीजिए, इस वाली शेप में आप उसमें दो लॉन पेयर जो है वो लगा दीजिए। नाउ इट शेप इज लुक लाइक क्या, आइदर अगेन वी शेप या फिर हम इसे बेंट शेप कह देते हैं। और इसमें एंगल और भी कम हो जाएगा बिकॉज इसके अंदर दो दो तरफ से रिपल्शन मिल रही है, और आपको पता है कि लॉन पेयर रिपल्शन और भी ज़्यादा होती है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से, और वो ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। तो फिर से अच्छा, इसमें एंगल आपको पता है 180 का होता है, इनमें एंगल 120 का होता है, और इसमें 109 का। पर अगर इररेगुलर, जिसमें स्टूडेंट्स लॉन पेयर आ जाए, सच ज्योमेट्रीज आर आल्सो कॉल्ड इररेगुलर, इनको हम इररेगुलर ज्योमेट्रीज भी कहते हैं, और जिसमें लॉन पेयर नहीं होता उनको हम रेगुलर ज्योमेट्री भी कहते हैं। नाउ ये आपको सारा याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन 5 आ जाए, इसमें मेन बातों के अलावा भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करूँ, बेटा दो से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, तीन वाले की क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी क्या बनेगी, sp3, एक s बाकी तीन, और तीन से ज़्यादा हो जाए तो फिर d आने शुरू हो जाते हैं। यस, इसकी जो शेप होती है नॉर्मल विदाउट लॉन पेयर, अगर इसका लॉन पेयर जीरो हो तो स्टूडेंट्स शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, द शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दिस वन इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्टूडेंट्स एक्चुअली में जो ये आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअली में ये ऊपर नहीं है, ये सामने की तरफ है, टुवार्ड्स यू, ए ए, ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ है और पीछे वाला, नीचे वाला जो बॉन्ड है वो पीछे की तरफ है। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला और ये, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर आप अभी नॉर्मल देखोगे तो आपको 60 दिखेगा, बट एक्चुअली में ये 90 डिग्री है बिकॉज ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, टुवार्ड्स यू, वो आपकी तरफ है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको याद होगा दो तरह के बॉन्ड एंगल्स होती हैं, इसको हम दो तरह की पोजीशंस होती हैं, इसको हम लोग कौन सी पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन, ये आपकी एक्सियल पोजीशन होती है, एक्सियल बॉन्ड होते हैं। और जो अलोंग दी कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल लगे हुए हैं, ये वाला या ये या फिर ये, इनको हम इक्विटोरियल बॉन्ड या इक्विटोरियल पोजीशंस कह देते हैं। स्टूडेंट्स इसमें ये वाली बात ध्यान रखना, अगर इसके अंदर लॉन पेयर एक आया, लॉन पेयर दो आए, या मैक्सिमम इसमें लॉन पेयर तीन भी आ सकते हैं। ओके चलो पहले हम इसकी शेप कंसिडर करते हैं। इसमें सुन सबसे मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है, sp3 में लॉन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर लगाने हैं, ये वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि यहां लगाने से जो है वो रिपल्शन कम रहती है और स्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, तो लॉन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर लगाएंगे। तो ये मैंने स्टूडेंट्स किसी एक लॉन इक्विटोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर लगा दिया। स्टूडेंट्स इसकी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा, ये सीसा शेप होती है। अगर हम दो लॉन पेयर लगाएं, ख्याल रहे लॉन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाना है इसके अंदर। नाउ शेप इज लुक लाइक अ टी शेप, आप चेक करो वो टी की तरह दिख रहा है, आप लॉन पेयर मत देखो तो टी शेप आपको दिखाई देगी। अगर हम लॉन पेयर उसमें तीन लगाएं तो उसकी जो शेप है वो कैसे बन जाएगी, लीनियर, दैट शेप इज कॉल्ड स्ट्रेट शेप बन रही है, एंड दैट शेप इज कॉल्ड लीनियर शेप, लीनियर शेप बनेगी। तो नाउ हाइब्रिडाइजेशन 6, अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 है, आप इसे sp3d2 भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स इसकी जो शेप होती है वो होती है, कई सारे नाम है इसकी शेप के, एक तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर, आपको दिख रहा है स्क्वायर बाई पिरामिडल, द शेप इज कॉल्ड स्क्वायर
बाई पिरामिडल इसको बोल देते हैं। दैट शेप इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल, इसको हम ऑक्टाहाइड्रल भी कहते हैं। अगर साइड्स बन जाए पर स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर एक लॉन पेयर आ जाए तो इसमें आप लॉन पेयर जो है वैसे आप कहीं पर भी लगा सकते हो, इसमें कोई एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन नहीं होती है, तो इसके अंदर आप कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, अब इसको मत देखो, नाउ इट्स शेप इज कॉल्ड स्क्वेयर पिरामिडल, स्क्वेयर पिरामिडल। और अगर हम इसके अंदर लॉन पेयर एक और लगा दें तो इसकी जो शेप है उसका नाम बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्क्वेयर प्लेनर, दैट शेप इज कॉल्ड स्क्वेयर प्लेनर। और यह आपका हो गया स्क्वेयर पिरामिडल, स्क्वेयर पिरामिडल। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, के नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर सेवन आ जाए तो उसे बोलते हैं sp3d3, sp3d2, sp3d3। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, अगर लॉन पेयर जीरो है तो शेप का नाम होता है पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल शेप का नाम ये होता है। बट अगर इसके अंदर एक लॉन पेयर आ जाए, अगर हम इसके अंदर एक लॉन पेयर लगा देते हैं नाउ इट इसका जो नाम है वो आप इसको पेंटागोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो नाम था वो क्या था, पेंटागनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल इसका नाम था। अगर एक लॉन पे रखा नाउ इट्स कॉल्ड पेंटागनल पिरामिडल। और इसी का नाम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल भी होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। स्टूडेंट्स इस नाम को अच्छे से याद रखेंगे। और इसका एक नाम, इसका हम एक नाम कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल भी बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल। तो ये कुछ अलग अलग नाम है जो आप लोगों ने इसके अंदर याद रखेंगे। एक स्टूडेंट साहब ये बात भी याद रखें कि जो ज्योमेट्री है वैसे दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग कह सकते हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक, या इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं। और नॉर्मली जो शेप होती है दैट रिप्रेजेंट एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक एटम्स की रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि जो है वो सीसा है, तो सीसा में हमने लॉन पेयर नहीं देखा, सिर्फ एटम्स को देखा कि वो कहाँ कहाँ लगे थे, तो उसे एटॉमिक, तो बेसिकली शेप आल्सो रिप्रेजेंट एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। लाइक सीसा कह सकते हो आप, टी शेप कह सकते हो, या आप लीनियर जो है वो ये बोल सकते हैं। तो एक स्टूडेंट्स कई बार यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके अकॉर्डिंगली आप जवाब देंगे। एक स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पे यही बात याद करवाना चाहूँगा, कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि sp3d2 sp3d3 sp3d3। और एक स्टूडेंट्स नॉर्मली हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक dsp2 भी होता है, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर करेंगे प्लस टू का, तो वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 हो तो dsp2 भी बनता है। इसमें आपसे मेनली पूछते हैं कि इसमें जो ये d है ये कौन से वाले d है। आपको याद होगा d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dzx dx² y² and dz² तो आपको मैं स्टूडेंट्स वैसे तो इसको याद करना होता है, पर आपको मैं एक ट्रिक के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ कि कैसे आप लोगों को याद रहेगा। देखो पहले हम ये करते हैं, sp3d3 इसमें कितने d है, 3d। तो समझो इन पांचों में से वो वाले 3d जो एक जैसे से हैं, जो एक जैसे से हैं, यानी इसमें जो 3d होते हैं वो कौन से होते हैं, dxy dyz और dzx। इसमें 2d हैं, तो समझो इसमें वो वाले 2d जो एक जैसे से हैं, या ऐसे कह दो वो वाले 2d जिसके ऊपर 2 आ रहा है, जैसे कि dx² y² वाला d होता है इसमें, और एक dz² जिसमें 2 आ रहा है, जिसमें 2 2 2 आ रहा है वो चीज़। अब स्टूडेंट्स रह गया जिसके अंदर एक सिंगल d है। अब सिंगल d या तो इसमें है या सिंगल d इसमें है। अब ये बात क्लियर, एक d है तो समझो जो सबसे अलग d है। अब सबसे अलग d या तो ये वाला है, ये सबसे अलग डी जो है वो ये वाला है।
इसमें स्टूडेंट्स आप ऐसे याद रखना, एस पी थ्री डी, डी बाद में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, एक्स वाई जेड में से जेड लास्ट में आता है, इसमें डी पहले आ रहा है, एक्स वाई जेड में से एक्स वाई पहले आते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें जो डी है वो ये वाला है, इसमें जो डी है वो ये वाला है, दो वाले में दो दो वाले हैं, तीन वाले में जो तीन एक जैसे से हैं वो वाले हैं, तो कई बार इसके ऊपर भी मल्टीपल्स में आ जाता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा पिछले एग्जाम में आए हुए, उससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन उसके अंदर रिपीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आई थ्री नेगेटिव आयन। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आई थ्री नेगेटिव। स्टूडेंट्स पहले आप इसकी शेप ड्रॉ करें, देन उसके बाद फिर वहां से आप काउंट करना शुरू करें कि इसमें कितने लोन पेयर हैं। तो आपको पता है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाइब्रिडाइजेशन का, वो क्या होता था, हाफ यस वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें जो सेंट्रल एटम है डेफिनेटली वो आयोडीन है, तो आयोडीन के वैलेंस शेल में हैलोजन्स के वैलेंस शेल में सेवन होते हैं प्लस। स्टूडेंट्स बताएं मोनोवेलेंट दो हैं या तीन हैं? मैंने कहा था मोनोवेलेंट होते हैं हाइड्रोजन या हैलोजन, तीनों हैलोजन दिख रहे हैं, पर ख्याल रहे सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करना, सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवेलेंट हैं उन्हें काउंट करना है, इसलिए दो आ जाएगा। कैटायन कोई है नहीं, एनायन एक है नेगेटिव चार्ज, उसको हम एक ऐड करेंगे, तो ये हो गया 10/2 5 5 का मतलब sp3d, यानी इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में से निकल के आएगी। अब आपको पहले लोन पेयर निकाल लें, यस लोन पेयर, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, मैं लोन पेयर निकाल रहा हूँ, लोन पेयर ही पूछे हैं। ये जो मैं फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ लोन पेयर का, ये लोन पेयर निकालना होता है सेंट्रल एटम के ऊपर ताकि हमें उसकी शेप पता चल सके। ये जो फॉर्मूला है, जितनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है 5 माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच विद इट विद सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच है, दो, तो कितने लोन पेयर आ गए, तीन। ख्याल रहे ये तीन लोन पेयर है ऑन सेंट्रल एटम, और हमने सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं निकालने, हमने उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर निकालना होता तो वहाँ स्पेशल लिखा होता कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन दिस, ठीक ओके। तो तीन लोन पेयर आपको पता है, जब हम तीन लोन पेयर लगाएंगे तो इसमें हमेशा लोन पेयर हम लोग कहाँ लगाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशंस पे लगाते हैं, तो पहले तीन लोन पेयर, एक दो और ये तीन, और उसके अलावा शेप उसकी कैसी बन जाएगी, लीनियर, तो एक आयोडीन यहाँ पे आ गया, एक आयोडीन यहाँ पे आ गया। आपको पता है आयोडीन के अराउंड तीन लोन पेयर होते हैं, एक आयोडीन के अराउंड कितने लोन पेयर होते हैं, तीन, ऑब्वियसली तीन ये हो गए, तीन ये हो गए छः, और तीन ये वाले हो गए नौ, तो दिस इज योर आंसर, सेकेंड इज योर आंसर, इसमें लाइन नाइन लोन पेयर है। अगर सिर्फ सेंट्रल एटम होता तो उसका आंसर 3 जरूर हो सकता था, बट अभी इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन नीट फेज वन में 2016 में स्टूडेंट्स जो नीट है वो दो बार हुआ था, फेज वन फेज टू, फेज वन में हर साल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कॉलम वन में कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, कॉलम टू में उनकी ज्योमेट्री शेप्स गिवन है, और आपने करेक्ट ऑप्शन बतानी है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। ए ऑप्शन के लिए लाइक फर्स्ट, बी के लिए क्या, सिंपल सा स्टूडेंट्स पहले सभी की आप एक बार शेप्स निकाल लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये उसकी ज्योमेट्री नहीं है, ये उसकी शेप्स गिवन है, तो पहले आप सभी शेप निकाल लीजिए। यस स्टूडेंट्स एक्स ई एफ फोर, मैं फॉर्मूला एक बार लिखूंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, सभी की इकट्ठी निकाल लेते हैं। यस स्टूडेंट्स जिनोन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8, हैलोजन्स कितने हैं 6, दैट इज 14/2 14/2, तो ये आपका कितना हो गया 7, 7 का मतलब हो गया आपका sp3d3, मतलब पेंटागनल बाईपिरामिडल बन गया। अब अगर हम उसके अंदर लॉन पेयर निकालना चाहें तो वो क्या कितना आएगा, 7 - 6, साथ में 6 एटम अटैच है, एक लॉन पेयर। तो स्टूडेंट्स अगर एक लॉन पेयर होता है पेंटागनल बाई पिरामिडल में, आपको याद होगा मैंने बताया था अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप का नाम या तो होता है पेंटागनल पिरामिडल या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, यानी कि एक आंसर जो है
वो वन होना चाहिए। अब एक आंसर वन या तो ए ऑप्शन में है या डी ऑप्शन में है, ऑब्वियसली बी ऑप्शन जो बी और सी ऑप्शन गलत हो गई, बस बी निकाल लो वहीं से आपका जवाब डेफिनेटली आ जाएगा। हाँ जी, एक्स ई ओ थ्री अगर हम निकालेंगे, हाफ ज़िनोन नोबल गैस के वैलेंस शेयर में बेटा कितने होते हैं, एट, प्लस मोनोवलेंट कोई भी नहीं है, मोनोवलेंट इसके अंदर कोई भी नहीं है, ओके तो कितना आ गया, फोर। फोर का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, sp3। sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल, लोन पेयर निकालने, तो जितने भी हाइड्रोजन आई है माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच विद इट, एक। तो स्टूडेंट्स अगर हम टेट्राहाइड्रल में एक लोन पेयर निकालें तो शेप कैसी बनती है, पिरामिडल। इसका मतलब सेकंड का जो आंसर है वो होना चाहिए पिरामिडल, यानी कि थर्ड, यानी कि वो ये वाला बन रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आप बाकी दो सॉल्व कर सकते हो, पर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि पहले का आंसर ये और दूसरे का आंसर ये, तो डेफिनेटली ये दोनों का आंसर यही निकलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट फेज टू में आया हुआ है, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। ओके, अब से हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ रहे हैं और उसकी जो ज्योमेट्री है वो भी पूछ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वो क्या होता है, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये स्टूडेंट्स जोन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, एट, मोनोवलेंट कितने हैं, फोर, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 12/26। सिक्स का मतलब हो गया sp3d2। अब ये बात क्लियर, sp3d2 या तो आपका आंसर ए में से है या आपका आंसर डी में से है। स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूज करेगा, देखते हैं आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी या नहीं पढ़ी, वहाँ से आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 आ गई, यानी ये बात क्लियर कि ए और डी में से है, ठीक है। अब ज्योमेट्री निकालने के लिए कह रहे हैं, वैसे तो sp3d2 हो तो आपको पता है कि ऑक्टाहाइड्रल होता है, पर अगर कहीं आपने लॉन पेयर निकाल के इसकी शेप निकालनी चाहिए, शेप अगर आप निकालोगे तो वो बन जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर। लॉन पेयर कितने आए स्टूडेंट, 6 - 4, 4 अटैच है, 2 आएगा, तो अगर आप स्क्वायर बाई पिरामिडल के अंदर 2 लॉन पेयर लगा दोगे तो नाम बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब एक तरीके से नाम स्क्वायर प्लेनर भी बन रहा है और एक तरीके से ऑक्टाहाइड्रल भी बन रहा है, तो ज्योमेट्री क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होती फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप कुछ भी बोल सकते थे, आप इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी बोल सकते हो, बट जब यहाँ प्रॉब्लम आ गई है तो आपको मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट और शेप होती है एटॉमिक अरेंजमेंट। स्क्वायर प्लेनर इज एटॉमिक अरेंजमेंट, वो उसके एटॉमिक एटम्स की अरेंजमेंट है, पर अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट काउंट करें तो वो क्या निकलती है, ऑक्टाहाइड्रल। इसलिए इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यस, पहले NO2 में, फिर NO3 नेगेटिव में, और फिर आप NH4 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। यस, फॉर्मूला क्या था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ओके, नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना, 7, सॉरी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना, 5, ठीक, NO2 पॉजिटिव है, मोनोवलेंट एक भी नहीं है, कैटायन जो है वो एक आ गया -1, तो ये पर कितना हो गया, 4/2, 2 ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, sp। हाँ जी, इसमें क्या आएगा, 5 डेफिनेटली प्लस 1 sp2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा सॉल्व करके, और ये आपका जो आएगा sp sp2 डेफिनेटली, तो यही ऑप्शन बनती है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचेगा आप लोग का, क्योंकि दो ऑप्शन सही आ चुकी है और किसी में ये दो ऑप्शन है ही नहीं। स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का मेन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, कुछ बातें हम लोग को याद होनी चाहिए, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होती है, ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, फ्लोरीन में sp2 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन, स्टूडेंट्स आप देखना नॉर्मली बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली कंपाउंड में sp2 होती है,
बट इन डाई बोरेन, इन डाई बोरेन बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एस पी टू नहीं एस पी थ्री होती है। स्टूडेंट शायद आप लोगों ने पी ब्लॉक में इस चीज़ को स्टडी किया होगा। अगर आप प्लस वन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वाली बात नहीं मालूम होगी, बट अगर आप प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं, पी ब्लॉक में हमने इसकी स्ट्रक्चर की थी डाई बोरेन की, जो कि बहुत अलग सी स्ट्रक्चर थी जिसमें 3C2E बॉन्ड बनता था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड, जिसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते थे। तो वहाँ पे हमने हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 बनती थी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसा ही कुछ याद आया होगा जिसमें 3C2E बॉन्ड थे। तो याद रखना डाइबोरेन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के अंदर बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और नॉर्मली जो है बोरोन के कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है, बट इन डाइबोरेन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3।